फ्रेंड्स, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन किसी वार की प्रिपरेशन से कम नहीं होती। वन हैज टू बी डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग एंड ही हैज टू बी गुड इन प्लानिंग। अगर आपने सोच लिया कि आपको देश की सेवा करना है और सोसाइटी की सेवा करना है, तो सिविल सर्विसेज से अच्छा और कोई डेस्टिनेशन नहीं हो सकता। ऑल द ग्रेजुएट्स दे आर एलिजिबल। इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, यू कैन लर्न फ्रॉम द टूडेज डिस्कशन। टूडे इन द पैनल डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट IAS, we have with us Deepanshu, who is next IAS faculty as well as newspaper analyst. Then we have the rankers of the civil services examination, top rankers, Ravi Anand. He has secured All India rank 79 with the geography as an optional and BTech from IIT Kharagpur in chemical engineering. Then we have the Amol Srivastava. He has secured All India rank 83 and political science and international relations as an optional, and again BTech from VIT Vellore with mechanical engineering. Then Arpit Upadhyaya, he has secured All India rank 94 and BTech from Delhi Technical University in mechanical engineering. And finally, we have the Sanjay Meena, who has secured All India rank 279 with electrical engineering as an optional and BTech from IIT Delhi, passed out in 2016. तो एक बात तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी इंजीनियर्स हैं और सिविल सर्विसेज में इंजीनियर्स का कंट्रीब्यूशन मेजोरिटी से ज्यादा है। सो लेट अस हैव अ डिस्कशन। दीपांशु, पहले आपसे डिस्कस करते हैं कि न्यूज़पेपर एनालिसिस ये सिविल सर्विसेज के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सर, अगर हम लोग सी द पास्ट ट्रेंड ऑफ अगर एग्जाम का देखें हम लोग फ्रॉम पास्ट थ्री इयर्स, स्पेशली जब से पैटर्न चेंज हुआ फ्रॉम 2013, सो उसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर बिकम वेरी मच, बहुत ज्यादा वेटेज आ गया, बिकॉज अर्लियर बहुत ज्यादा स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आते थे। और अब अगर राइट फ्रॉम बिगिनिंग से अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस को साथ में लेकर के चलते हैं, सो दैट कैन ऐड बेनिफिट, बिकॉज प्रीलिम्स में भी अब डोमिनेट करने लगा है बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स। बिकॉज अगर आप स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन देखें, वो भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर्स उठ के ही आते हैं। सो न्यूज़पेपर का आई एम प्रीटी श्योर कि सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट पोर्शन होता है, उसको एक डेढ़ घंटे में मिनिमाइज करना, सो वो एक चैलेंज है जो मैं ऑब्वियसली आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ डिड यू नो मैनेज योर न्यूज़पेपर। तो रवि, आपसे रवि आनंद आपसे बात करते स्टार्टिंग करते हैं। लेट अस कंटिन्यू टू द टॉक ऑफ दीपांशु। न्यूज़पेपर का आपने स्टडी कैसे की और किस न्यूज़पेपर को आपको आप पढ़ते थे और स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? सर, मैंने जब प्रिपरेशन चालू की 2015 में, तभी से मैं द हिंदू फॉलो कर रहा हूँ और हर दिन प्रतिदिन उससे पढ़ता था। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नोट्स बनाने जरूरी है, तो मैं PDF वर्जन ऑफ द हिंदू पढ़ता था और कॉपी पेस्ट करके वर्ड फाइल में टॉपिक वाइज नोट्स प्रिपेयर करता था। नहीं तो बहुत सारे लोग तो पढ़ के भी छोड़ देते हैं, बट दैट इज व्हाट यू टोल्ड कि अपने नोट्स बनाइए उससे। और इस साल के क्वेश्चंस को देखने के बाद ये पता चलता है कि क्वेश्चंस पिछले एक दो साल पुराने भी आए हुए हैं, जो टॉपिक्स दो तीन साल पुराने थे उनसे भी सवाल आए हैं, तो वो नोट्स मुझे काफी मदद किया लास्ट में। और साथ में प्री और मेंस का तो इम्पोर्टेंस है ही न्यूज़पेपर को लेके, लेकिन मैं ऐड करना चाहूंगी ऑप्शनल जो आजकल पूछे जा रहे हैं, ऑप्शनल में सवाल वो भी बहुत डायनेमिक हो चुके हैं और उनका भी बहुत सारा क्वेश्चंस जो है न्यूज़पेपर से आ रहे हैं। अमोल, एज ए फ्रेशर अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसके लिए क्या सही समय है, वेदर ही शुड स्टार्ट व्हेन ही इज इन ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद स्टार्टिंग करनी चाहिए सिविल्स के बारे में? देखिए, ये हर स्टूडेंट का पे डिपेंड करता है कि उसके कॉलेज की सिचुएशन क्या है। कई लोग एकेडमिक में ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं और बाद में सोचते हैं सिविल्स के बारे में, बट हाँ, अगर किसी ने कॉलेज में डिसाइड कर लिया है कि मुझे सिविल्स करना है, तो कॉलेज में आई थिंक थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एक सही समय होगा स्टार्ट करने का, जिसमें आप बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। आप NCERTs पढ़िए, आप न्यूज़पेपर पढ़ना, जैसे रवि जी ने बताया, न्यूज़पेपर पढ़ना आप स्टार्ट करें, इससे आपका चीजों को सोचने का नजरिया बहुत ब्रॉड हो जाएगा, आपको आप चीजों को समझने लगेंगे, फिर एक दिशा में एक डायरेक्शन के साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो वो हेल्प करेगा। और NCERT के खास बात तो ये है कि द लैंग्वेज इज सो ल्यूसिड कि यू कलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग इन योर माइंड, और फिर वो मेंस पे लिखने में भी आपको हेल्प करती है। तो बेसिक्स तो आपको बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक तो NCERT, NCERT से एक फायदा ये होता है कि क्योंकि इतने पहले पढ़ी होती है, हमने 10th तक छोड़ रही होती है, आपको वापस वो एक एग्जाम माइंडसेट में लाके छोड़ देता है। आप डिसाइड कर सकते हैं, आप एक एग्जाम मोड में आ जाते हैं NCERT पढ़ने के लिए, इतने लूसिड वे में आप पूरे एग्जाम का सिलेबस पढ़ सकते हैं एक साथ। अगर अर्पित, तो अगर हम देखें कि जब कोई स्टूडेंट आइडिया कंसीव करता है कि आप मुझे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है, तो उसमें ऑप्शनल का सिलेक्शन कितना मायने रखता है और किस तरह से ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए?
सर ऑप्शनल आई थिंक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी यही होता है एंड आपका रैंक डिसाइडिंग के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तो जैसे कहते हैं जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा, ये केस यहाँ पे अप्लाई होता है. तो ऑप्शनल का चुनाव अच्छा होना चाहिए, बहुत सोच समझ कर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सिलेबस देखना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहिए, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में ये सोचना चाहिए कि आप एग्जाम को तैयारी कैसे करेंगे. उस कैसे में आपके बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लाइक अवेलेबल गाइडेंस है कि नहीं है, किससे पूछेंगे, किससे करेंगे, उसके बाद ही राइट. तो सोर्स ऑफ स्टडी होना चाहिए, गाइडेंस होना चाहिए, सिलेबस को डिफाइन कर सके आप, और आपका एप्टीट्यूड लेवल क्या है, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो थ्योरेटिकल आंसर्स या ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स को अच्छा नहीं लिख सकते, तो वो साइंस सब्जेक्ट्स में जा सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, मैथ्स में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में जा सकते हैं. इनफैक्ट सर अर्पित ने काफी अच्छी बात बताई, क्योंकि अर्पित से मैं अभी बात भी कर रहा था, तो इन्होंने ऑप्शन चेंज किया है अपना इस साल, तो पिछले साल ऑप्शन का कुछ और था, तो आई गेस इज द बेस्ट पर्सन टू टेल कि ऑप्शन का सिलेक्शन कितना जरूरी है. अच्छा सर, तो संजय कुमार आपसे बात करते हैं, आपने बीटेक किया और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया, क्योंकि ज्यादातर इंजीनियर्स ऑप्शनल दूसरे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसा क्या लगा कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल आपने चूज किया, आपने कैसे उसकी प्रिपरेशन की? सर मतलब मैंने जब स्टार्ट की थी प्रिपरेशन तो यही था कि कौन सा ऑप्शनल सेलेक्ट करूं, बट ऐसा था कि आई वाज इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कॉलेज में भी डिसेंट मतलब कोर्सेज में काफी इंटरेस्ट आया था, सो आई टुक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और इसलिए भी कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल में ऐसा होता है या तो आप टॉप पे होंगे या आप डाउन पे जाएंगे, सो देयर इज नो मिडिल वे. बट वन थिंग व्हिच आई फाइंड इन द इंजीनियरिंग एंड मैथ्स ऑप्शनल्स की ऑब्जेक्टिविटी काफी है. अगर आपने सही लिखा है तो आप सही मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि आपने अगर चार साल बीटेक में ठीक ठाक पढ़ा है तो ये सब्जेक्ट कनेक्ट अच्छा होता है राइट. और कभी अगर इंटरव्यू में पूछ दिया कि आप इंजीनियर हो, ऑप्शनल अगर आपका दूसरा है तो कई बार वहां डिफेंड करना पड़ जाता है राइट. तो नेक्स्ट स्टेज में आते हैं कि एक बार जब चुनाव हो गया ऑप्शनल का, देन दे स्टार्ट दी प्रिपरेशन. तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को इंटीग्रेट करके जीएस के लिए पढ़ते हैं या पहले प्रीलिम्स स्टेज को पढ़ना चाहिए फिर मेंस? सर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप एनसीईआरटी से तैयार कर ले, उसके बाद जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट कर दें. मेरा मानना है कि प्रीलिम्स की तैयारी मेंस को रिइंफोर्स करती है। जो आप चीजें प्रीलिम्स में याद करते हैं, छोटी छोटी चीजें, चाहे वो डेटा हो, चाहे किसी स्कीम का नाम हो, उसको आप मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से शुरुआत में आप एनसीईआरटी और थोड़े बहुत प्रीलिम्स को लेकर फोकस करें, तीन चार महीने के बाद आप प्रीलिम्स के एग्जाम के एक दो महीने पहले फिर प्रीलिम्स स्पेसिफिक हो सकते हैं. दीपांशु, आपका प्रीलिम्स में जब एक महीना बचा होता है उस पर्टिकुलर पीरियड में आपका कोई सजेशन है कि न्यूज़पेपर कब तक पढ़ना चाहिए, लास्ट डेट में मतलब लास्ट कितने दिन के न्यूज़पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है? सर इसमें एक्चुअली मेन चीज ये है क्योंकि पेपर तो ऑलमोस्ट सेट हो जाता है एक महीने पहले, तो न्यूज़पेपर अगर अभी चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, बट स्टिल मेरा सजेशन ये रहता है क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि प्रीलिम्स इज अ गेम ऑफ रिकॉग्निशन, तो ऑप्शन में कई बार ऐसा होता है कि आप जस्ट एक ग्लांस मार सकते हो, मतलब 5-10 मिनट में आप एक हर दिन अगर पेपर ग्लांस मार लो तो कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है. कनेक्टेड भी है क्योंकि इवेंचुअली आपको मेंस में तो पढ़ना ही है ना, पुराना पेपर एक बैकलॉग बन जाएगा, बिकॉज ऑल ऑफ दीज टॉपर्स मस्ट हैव रियलाइज कि बैकलॉग क्लियर करना सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है हिंदू का. तो रोज 5-10 मिनट अगर आप ग्लांस भी कर ले तो इट्स नॉट अ मच बिग डील, नहीं है काफी ज्यादा. अमोल, अगर हम एक बात और इस पे डिस्कस करें कि मैगजीन्स का अब क्या रोल रह गया है, जबकि ऑनलाइन इतने सारे पोर्टल्स हैं, बहुत सारा करंट अफेयर्स अवेलेबल है, न्यूज़पेपर लोग डेली पढ़ते हैं, तो क्या मैगजीन पढ़ना जरूरी है, या अगर है तो कौन सी मैगजीन्स ठीक ठाक है जिसको स्टूडेंट प्रेफर कर सकते हैं? देखिए मैं मानता हूँ कि जब प्रिपरेशन जब शुरू होती है और एटलीस्ट आप 6-7 महीना सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड पढ़ाई करते हैं, उसमें मैगजीन से बहुत हेल्प मिलती है. जैसे योजना है, कुरुक्षेत्र है, उससे आपको चीजों के बारे में एनालिसिस करना आ जाता है, एक बहुत वाइड आपको डेप्थ मिल जाती है चीजों को एनालाइज करने में, तो उससे आपको समझ में आएगा. पर मैं कहता हूँ कि जब प्रीलिम्स करीब आ रहा है तब वो मैगजीन अवॉइड की जा सकती है, कोई इतना एग्जैक्टली उनका एग्जाम में काम नहीं होता, फिर जो चीजें मार्क की हों खाली उनको आप रिवाइज कर लीजिए. पर एक शुरू में अगर मैगजीन के साथ पढ़ाई शुरू करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस. इसका एक और मैं कहूँ कि ये भी हो सकता है कि जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं फिर उसको 6 महीने बाद जब मैगजीन में दोबारा पढ़ते हैं या 2 महीने बाद,
तो एक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड जो लिंकिंग होती है वो और रीइंफोर्स कर देती है हमारी नॉलेज को। प्लस योजना का विषय तो सर वो ऑब्वियसली वो सिलेक्टेड ऑफिसर्स ने लिखी होती है या जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे होते हैं तो उनके खुद के व्यू पॉइंट्स होते हैं वो, तो वैसे भी बहुत यूजफुल। दूसरा योजना से आपको ऐसे राइटिंग और आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि वो जैसे दीपांशु जी ने बताया कि वो सिलेक्टेड ऑफिसर्स और बहुत हाईली एक्सपर्ट से लिखी होती है, तो एक किसी व्यू को एक बैलेंस्ड वे में प्रॉपर बैकग्राउंड से लेकर उसके सॉल्यूशंस तक बताना, जो कि एक आंसर राइटिंग की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है, वो इस मैगजीन से मैगजीन से मिलती है। अर्पित, जब हम ऐसे पेपर की बात करें मेंस में, तो ऐसे को लेकर के स्टूडेंट्स को बहुत सारा टेंशन रहता है, क्योंकि दिस इज समथिंग वेयर यू हैव टू शो योर ओरिजिनलिटी। तो ऐसे की प्रिपरेशन कैसे आपने की, क्या आप सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स? सर, ऐसे में जो कंटेंट होता है वो हम जीएस की जो प्रिपरेशन करते हैं वहीं से ही आ जाता है, वहीं से तो कंटेंट का इशू नहीं आता। वहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम जो है अपने एसे को एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में लिखें और वो थोड़ा सा क्रिएटिव इनोवेटिव सा होना चाहिए एंड इंटरेक्टिव सा फील होना चाहिए। वो जो ओरिजिनलिटी वाली बात है वो वहीं से ही आएगी। जितने ज्यादा व्यू पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर वो उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा और उतना ही बैलेंस आ रहेगा। यहाँ पे सर एसे के अंदर आई थिंक योजना ने मेरे को बहुत ज्यादा हेल्प कर दी एंड योजना के जो एसे लिखे हुए हैं कुछ उस टाइप का ऐसे लिखने में अच्छा स्कोर आई थिंक रहता है। तो एक तो ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने ओरिजिनल आइडिया जो आप अलग अलग सोर्सेज पढ़ करके जो आप कलेक्ट कर रहे हैं उन आइडियाज को आप स्ट्रक्चर्ड वे प्रेजेंट करें। इसमें सर एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि ऐसे क्योंकि अर्पित जी ने बताया कि बहुत इंटरेक्टिव होना चाहिए, तो एक हर सिविल सर्वेंट सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरत है कि अपने आंख और कान खुले रखें, तो जो भी सोसाइटी में अभी चल रहा है उसको वो देखे इनकॉर्पोरेट और वो चीज अगर एग्जांपल कोट कर दें ऐसे में तो वो एक ऐसे एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। वो एग्जामिनर को लगता है कि इस बंदे को सब पता है, इस इंसान को सब पता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है उनको अपडेट करके आप उनको कोट कर सकते हैं, उनको कोट कर लाइफ में रिलेट कर सकते हैं। संजय, अगर हम ऑप्शनल और जीएस में देखें तो ऑप्शनल में कितना टाइम देना चाहिए, जीएस में कितना देना चाहिए, और जीएस में कोई पर्टिकुलर एरिया जहां आपको डिफिकल्टी फेस हुई, स्टूडेंट्स उसमें स्पेशल प्रिकॉशन लें? सर, मतलब मैंने हाफ हाफ रखा था, 50% टाइम आफ्टर प्रीलिम्स, 50% टाइम इलेक्ट्रिकल को दिया था, 50% टाइम जनरल स्टडी। और आफ्टर प्रीलिम्स तो जनरल स्टडीज इज मोर अबाउट आंसर राइटिंग, कंटेंट तो प्रीलिम्स से मिल ही जाता है, वो आपने कंसीव कर लिया होगा, तो इट्स ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। और बचता है जैसे अमोल जी ने बताया था कि ऐसे राइटिंग के लिए वही की आंख और कान खुले रखो, तो वही मैंने भी वही अप्रोच फॉलो की थी। और डेली हर वीक अगर एक ऐसे लिख लो तो यू विल बी राइटिंग अ बेटर ऐसे इन द फाइनल एग्जाम। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने प्रैक्टिस कैसे की, असेसमेंट कैसे किया? सर, एक्चुअली मतलब इन सिविल सर्विसेज देयर इज नो कोई गाइडेंस है नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, सो मतलब नोट्स के लिए तो मैंने एक्चुअली मेडीजी के प्रिंटेड नोट्स जो आते हैं वो फॉलो किए थे तो कुछ टॉपिक्स के लिए, क्योंकि कॉलेज में भी कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने नहीं पढ़े थे, तो उसके लिए वो फॉलो किया। ये एक रीजन होता था पहले कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल सिविल में गाइडेंस कम होती थी या नहीं होती थी, इसकी वजह से भी स्टूडेंट्स डिस्करेज होते थे, लेकिन अब ये वैक्यूम फिल हो गया। नेक्स्ट आईएएस इज नाउ प्रोवाइडिंग दी क्लासेस ऑल्सो एंड दी स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज इज अवेलेबल, तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सिविल ऑप्शंस भी लिया जा सकता है, स्टूडेंट्स इसको ले भी रहे हैं। सर, एक संजय जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये बहुत बार स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि इंजीनियरिंग सर्विसेज या फिर गेट में जो इलेक्ट्रिकल का जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम होता है और सिविल सर्विसेज में जो आप ऑप्शन में टाइम लगाते हो, मतलब जितना मैंने सुना है इट्स एक्चुअली वेरी लेस एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग सर्विसेज, तो आपने मतलब कैसे बैलेंस किया, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ता है मेरे ख्याल से ऑप्शनल, और सिविल सर्विसेज में उसका कंपोनेंट थोड़ा कम होता है, बिकॉज मोस्टली आई गेस न्यूमेरिकल ज्यादा पूछते हैं सिविल सर्विसेज के ऑप्शन में, डेरिवेशन पार्ट तो इतना ज्यादा नहीं होता। बहुत आता है, मतलब न्यूमेरिकल भी आता है, पेपर वन इज मोर अबाउट न्यूमेरिकल, पेपर टू इज मोर ऑफ थियोरेटिकल। तो ऐसा था कि मतलब प्रैक्टिस तो मस्ट है, जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा इवॉल्व होगे, और क्वेश्चन चूज करना वहाँ पे बहुत वाइटल हो जाता है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, सो उसके लिए जितना किसी टॉपिक में अगर स्ट्रांग हो तो उस क्वेश्चन को प्रेफर करो। तो मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, कोई इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे अगर सिविल सर्विसेज में आना है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल अगर लेना चाहता है और उसी से आपको सिविल्स देना है, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उसके लिए, किसी एस्पिरेंट के लिए? मैं तो यही कहूंगा कि टेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड गो फॉर इट,
इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स के कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. ये पर्सनल लेवल पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे इवैल्यूएट करते हैं. ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स अगर लेते हैं तो एडवांटेज ये होता है कि उनको जनरल स्टडीज में ऐसे पेपर में कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाती है. इंजीनियरिंग ऑप्शनल जब लेते हैं तो उनको ये हेल्प होती है कि जो हमने चार साल पढ़ा होता है उसी चीज को थोड़ा और आगे पुश करना है. दूसरा यह है कि हम इमोशनली एज वेल एज मेंटली कनेक्टेड होते हैं सब्जेक्ट से, तो हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं. तो एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है. अल्टीमेटली इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी राइटिंग स्किल कैसी है. अगर आप फॉर्मूला बेस्ड, कॉन्सेप्ट बेस्ड और इस तरह से पढ़ना चाहते हो तो साइंस और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज करिए. अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है, ह्यूमैनिटी आंसर कर सकते हैं, तो आप सब्जेक्ट को दूसरा भी ले सकते हैं इंडिविजुअल. नाउ लेट अस कम टू दी नेक्स्ट स्टेज. मेंस में जैसे चार पेपर्स हैं, और अगर हम पेपर वन टू थ्री फोर की बात करें तो पेपर वन की क्या अप्रोच होनी चाहिए? रवि, आप कुछ अपना आइडिया शेयर करेंगे? सर, जीएस पेपर वन के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को चाहिए कि जो सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़े. स्पेसिफिकली प्रीलिम्स में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि सिलेबस में है और वो सिलेबस में मेंस के नहीं है, तो ये मार्क कर ले कि कौन से टॉपिक प्रीलिम्स में है और कौन से मेंस में है. ठीक है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री ये मेंस में है पर प्रीलिम्स में नहीं है, उसी तरह से मेडिवल इंडिया जो है, मेडिवल हिस्ट्री, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इसके, लेकिन मेंस में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो इन सब छोटी छोटी चीजों को ध्यान दें और कंपैरेटिवली हिसाब से टाइम डिवोट करें इन सब चीजों. इनफैक्ट न्यूज़पेपर रीडिंग में भी पहले एरिया ऑफ स्टडी या डोमेन ऑफ सिलेबस पता होना चाहिए, तब आप देखो कि हमें क्या छोड़ना है क्या. क्योंकि सर सबसे बड़ी इशू जो होती है न्यूज़पेपर एनालिसिस में होती है कि क्या नहीं पढ़ना है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है. तो अगर सिलेबस रख के पढ़ेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा. और इनफैक्ट ये बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है. इनफैक्ट हिंदू में से अगर पूरे पेज में से आई गेस 50% ही पढ़ना होता है हमें जो पूरे न्यूज़पेपर में से. अमोल, जो पेपर फोर होता है जीएस का, जो कि इंजीनियर्स हो या दूसरे स्टूडेंटों ने कभी पढ़ा ही नहीं होता है, इट्स ऑल टुगेदर द न्यू थिंग. पेपर फोर के लिए क्या करना चाहिए एथिक्स वाले पोर्शन के लिए? देखिए सर, पेपर फोर बहुत मिथ है लोगों को कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, थिंकर्स पढ़ने पड़ते हैं और ये केस स्टडीज कैसे आंसर करेंगे. पर पेपर फोर को उस सिलेबस में लाने का ही यही मकसद था कि लोग नेचुरली अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकें, एथिक्स, इंटेग्रिटी, वो उनके अंदर को चेक करें, उनकी पढ़ाई चेक नहीं कर रहे हैं. तो मेरे हिसाब से तो ये सबसे आसान पेपर होता है कि आप जो एक थिंकर्स हैं उनको बस एक लिमिटेड में पढ़िए, लिमिटेड क्वांटिटी में पढ़िए, उसको एक्चुअल लाइफ से रिलेट करिए. बेसिकली तो योर ओरिजिनल थॉट्स जी, दे शुड कम आउट और वो कहीं ना कहीं सही होने चाहिए. उसमें सिचुएशंस पूछी जाती हैं, उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे. हर इंसान अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो वो वहां पर रिएक्शन देखते हैं. तो जैसे मैंने पहले ऐसे के लिए कहा था कि आंख और कान खुले रखें, यहाँ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे लाइफ से रिलेटेड चीजें पूछेंगे. दोनों आंखें खुले रखो, दोनों कान. हाँ, और क्योंकि उसमें ये होगा कि आप अगर आप अपने जिंदगी में वैसे चीजें करते हैं और आप ऑब्जर्व करते हैं तो वहां आंसर लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी. अच्छा अर्पित, अगर हम देखें तो यूजुअली पेपर टू में सभी लोगों का स्कोर कम आता है, तो ऐसा क्या है कि ये सब्जेक्ट तो बड़े कन्वेंशनल से हैं लेकिन स्कोर हमेशा इसमें कम आता है पेपर टू में जीएस में? सर, पेपर का नेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा डायनामिक रहता है right. और वहीं पर थोड़ा सा इशू आ जाता है. लेकिन इसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सकती है अगर हम जो सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ें और हर एक वर्ड, हर एक टॉपिक के ऊपर, छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर थोड़े से कंसाइज नोट्स बना लिए जाए, फिर उसके बाद उसको करंट से अगर रिलेट किया जाए right. तब आपका स्कोर जो वो बहुत अच्छा हो सकता है. तो आजकल की मैं ऐड करना चाहूंगा, पेपर टू में लो मार्क्स के रीजन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करना चाहिए, तो जब आप पेपर टू के आंसर्स लिख रहे हैं स्पेसिफिकली पॉलिटी या गवर्नेंस, तो जहां आपने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का नाम लिखा उसके बगल में आप ब्रैकेट में जो रिलेवेंट आर्टिकल है आप उसको साइट करें. अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई केस है, केस लॉ है, तो उस केस का नाम आप देते हैं. तो इससे क्या होता है कि जो प्री में आपने पढ़ा है उसको आप मेंस में प्रेजेंट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो क्वेश्चन के आंसर को बहुत ज्यादा निखार देता है. और मेरे लास्ट ईयर नंबर काफी अच्छे आए थे इसी वजह से. तो अगर आप ओरिजिनल आइडियाज को इंटीग्रेट करके कुछ केस आप अगर उसमें और इंटीग्रेट कर दें तो दैट कैन डेफिनेटली रीइंफोर्स. फाइनल स्टेज में जब हम पहुंचते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन, तो दैट इज समथिंग पर्सनालिटी टेस्ट. तो पर्सनालिटी तो रातों रात बदलती नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं. तो उस पर्सनालिटी टेस्ट में किस तरह की प्रिपरेशन आपकी पहले से होनी चाहिए और आप लास्ट मोमेंट में क्या क्या प्रिपेयर करें? सर, जितने भी लोग मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए चयनित होते हैं
मेरा मानना है कि सब में एक कुछ पर्सनल टच, कुछ पर्सनालिटी, यूनिक पर्सनालिटी होती है, पर छोटी छोटी चीजें होती हैं जो वो ध्यान नहीं देते हैं. right. ठीक है, तो वो किसी कोचिंग के माध्यम से, मॉक इंटरव्यूज के माध्यम से वो देख सकते हैं अपनी गलती को और इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कैसे आप चल के जाएंगे, कैसे आपको बैठना है, कैसे आपको किसी सिचुएशन में रिएक्ट करना है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि मायने रखती है वहाँ पे, और इसी वजह से इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, ना कि क्वेश्चन आंसर सेशन. अमोल, जब आपने प्रिपरेशन की, इंटरव्यू की, और नेक्स्ट आईएएस में भी आपने क्लासेस की इंटरव्यू के लिए या मॉक्स दिए, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और उसमें क्या डिफरेंट मिला आपको यहाँ पर? देखिए, जो लास्ट ईयर मैं इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुआ था. अच्छा, तो 2016 में, तो इस साल मुझे था कि नहीं, इंटरव्यू इस बार बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, वही क्लियर करेंगे. तो नेक्स्ट आईएएस में जो मैं आया, तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस था, जो पैनलिस्ट थे और जो रूम का सेटअप था, वो बहुत ज्यादा ही एकदम यूपीएससी को रिसेम्बल करता था. तो एक आपके मन से पहले वो एक जो एक होता है ना, एनवायरनमेंट का जो फियर रहता है या नर्वसनेस, वो खत्म हो जाती है यहाँ पे आके, क्योंकि जिस लेवल के पैनलिस्ट आते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं फॉर्मर, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, एक्चुअल इंटरव्यू भी ऐसा ही होगा. तो एक मन से वो डर खत्म हो जाता है इंटरव्यू का. इस बार तो जब इंटरव्यू प्लान किया हम लोगों ने, तो स्पेशली इंजीनियर्स जितने थे उनके लिए हम लोगों ने इंजीनियरिंग ऑफरल को टच करने वाले पैनलिस्ट भी रखे एक पहर उसमें, एंड वी ट्राई टू कवर इवन दी क्लासेस ऑल्सो उसमें जो बुकलेट मिली. इंटरव्यू में जब आप फेस करते हैं, अगर हम डिस्कस करें फिर, तो उस जो आपने इंटरव्यू यहाँ दिया और जो यूपीएससी में इंटरव्यू दिया, उसमें बेसिकली क्या सिमिलैरिटी थी? सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहूंगा, मैंने जब पहले इंटरव्यू दिया था तब मेरे से इंजीनियरिंग के काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर और मैं उनमें से शायद किसी को भी आंसर नहीं कर पाया था. अच्छा. और मेरा स्कोर भी अच्छा नहीं था. right. तो इस बार मैं वेट कर रहा था कि मैं इंजीनियरिंग का ही पढ़ूंगा. अच्छा. एंड फिर मैं नेक्स्ट आईएएस में आके मैंने देखा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग की क्लास हो रही है. हाँ. तो वो क्लास मैंने करी और उस क्लास के बाद मेरा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ था कि अब इंजीनियर का क्वेश्चन आएगा, एटलीस्ट आई नो द बेसिक्स. That's correct. मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो वैसे इतना वाइड लेवल yes, है. ठीक है, आपका तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई होगा, तो इंजीनियरिंग की तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि आपका तो सब सिलेबस ही था. तो आपको अगर हम लास्ट में, अगर स्टूडेंट्स के लिए अगर एक सजेशन, सभी लोगों से एक एक सजेशन पूछना चाहें, तो व्हाट वुड बी द सजेशन इन वन लाइन? तो रवि, व्हाट यू वुड लाइक टू टेल द स्टूडेंट्स? आई वुड लाइक टू टेल द कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, दैट नेवर लूज होप एंड prepare till the last day. It's not over until the last day. Amol, मैं इसमें कहूंगा कि ये पूरा जो प्रिपरेशन है, इसमें रिविजन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है. आप कितना भी पढ़ लें, जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करेंगे वो काम नहीं आएगा. सो मेरा जो सजेशन वो ये रहेगा कि इंस्टेड ऑफ स्टडिंग 10 सोर्सेज, इफ यू जस्ट स्टडी 1 सोर्स 10 टाइम्स, दैट विल बी मच 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 बेनिफिशियल. राइट अर्पित. मैं तो यही कहूंगा कि कीप इवेल्युएटिंग योरसेल्फ एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ कंटिन्यूअसली एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन. करेक्ट. एंड व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, संजय? सो आई वुड लाइक टू से कि इफ यू आर डाउटफुल कि टेकिंग इंजीनियरिंग ऑप्शनल इज नॉट गुड और बैड, सो टेक इंजीनियरिंग ऑप्शनल इफ यू आर गुड एट इट, अदरवाइज लीव इट. दीपांशु, व्हाट यू लाइक टू टेल? माई सजेशन विल बी लाइक सिमिलरली इनका ये होगा कि प्लीज फोकस ऑन रिविजन एंड प्रैक्टिस एंड प्लीज फोकस ऑन रिविजन एंड इवेल्युएशन, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट. एंड नर्वस नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है. तो डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा कि सिविल सर्विसेज आप कर सकते हो, यू आर एलिजिबल, यू आर क्वालिफाइड एंड यू हैव दैट काइंड ऑफ टैलेंट विच इज रिक्वायर्ड. वट इज रिक्वायर्ड? फर्स्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ सिविल सर्विसेज, और फिर एक स्ट्रैटेजी जो अभी डिस्कशन किया है सभी टॉपर्स ने अपना व्यू बताया, उसको अडॉप्ट करिए. और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि आपकी सेल्फ एफर्ट्स, जो आप अपनी प्लानिंग करोगे स्टडी करने के लिए, वो टाइम मैनेजमेंट और स्टडी मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो. सोर्स ऑफ सिलेक्शन, जो आप स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले हो, वो सिलेक्शन ऑफ स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा हो. 10 किताबें किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ने की बजाय आप 2 किताबें पढ़ो, लेकिन वो सबसे अच्छी होनी चाहिए. और आप ओरिजिनल थॉट्स, क्योंकि आप यूनिक हो, और उस यूनिकनेस को लेकर के आप एग्जाम में जाओ. आप सारी चीजें सभी लोगों को पढ़ो, और लेकिन उनमें से जो कुछ यूनिक है उस यूनिकनेस को आप अपने अंदर लाओ और आप अपने आंसर्स लिखो. कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इफ यू वांट एनी काइंड ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट आईएएस, देन डेफिनेटली वी आर ईगर टू हेल्प यू. वी आर
interested that we should be the success partner for you. If you are looking for the classroom courses for the general studies or postal courses or online courses, we will definitely help you. We are also supporting you with the test series and interview guidance. Keep on watching the motivational videos and the toppers videos. Thank you, everyone.